सब्सक्राइब करिए UK17 गेमर को और बेल आइकन को भी दबाइए न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। तो इस बार हम लेकर आए हैं एक टिप और कह सकते हैं एक ट्रिक इंस्टाग्राम की, कि आप जैसे आप कैप्शन डालते हो नॉर्मल डालते हो, नॉर्मल फॉन्ट में डालते हो, तो मैं आपको सिखाऊंगा आप कैसे इंस्टाग्राम के कैप्शन का फॉन्ट चेंज कर सकें। जैसे आप कोई ईडियम डाल रहे हो, कोई थॉट डाल रहे हो, कोई कोट डाल रहे हो, उसका आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं और बोल्ड भी कर सकते हैं और स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, कुछ रिवर्स में भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा वो आप कैसे कर सकते हैं। तो आपको पहले जाना है गूगल में, गूगल में चल जाइए, क्रोम में चल जाइए, मैं आपको क्रोम में जाके दिखाता हूँ। आपको पहले जाना है क्रोम में, क्रोम में जाके आपको टाइप करना है इंस्टाग्राम फॉन्ट्स आपको सर्च करना है, ठीक है। तो इसमें पहले ही लिंक आ जाएगा igfonts.io, आपको ये ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद आपको जो भी अपना थॉट है, कोट है, जैसे मैं लिख देता हूँ इसमें हैप्पी लिख देता हूँ। सो देख सकते हैं कितने सारे ये फॉन्ट्स में आ चुका है। देखिए रिवर्स में भी आ रहा है, बोल्ड में भी आ रहा है, अलग अलग स्टाइल अलग अलग डिज़ाइन के साथ आ रहा है, अलग अलग फॉन्ट्स। कह लीजिए इंस्टाग्राम में फॉन्ट्स चेंज नहीं कर सकते, बट ये बहुत अच्छा तरीका है फॉन्ट्स चेंज करने का, आपको वैराइटीज़ मिल जाती हैं। आपको इतना छोटा साइज़ भी मिल जाएगा जो कि बहुत छोटा होता है, आपको बड़ा लिखना है कोट तो आप इस छोटे साइज़ में लिखे तो बहुत अच्छा लगता है, और आपको बोल्ड में भी मिल जाएगा। सो मैं आपको एक कोट लिख के ही दिखाता हूँ, जैसे कोई एक हम कोट ले लेते हैं, कोई भी कोट्स फॉर इंस्टा, ठीक है। मैं आपको कॉपी करके दिखाऊंगा कैसे होएगा, जैसे ये वाला आया है पहले वाला। सो मैंने इसको कॉपी कर लिया है, मैं आपको दिखाऊंगा इसका फॉन्ट चेंज करके आपको क्या करना है। फॉन्ट वहां से कॉपी कर लिया है, आपको यहाँ पर करना है पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि इसके कितने सारे फॉन्ट्स आ चुके हैं, अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग बोल्ड लेटर्स में भी आए हैं, कुछ ज़्यादा लेटर्स के बीच में स्पेस भी आ चुका है, मतलब बहुत सारी वैराइटीज़ है। देख सकते हैं ये कैसे रिवर्स रोटेशन देखिए, पूरी ही इसकी एंगल ही चेंज हो गया, डिग्री चेंज हो गया, 90 डिग्री पे घूम गया है। एंड बहुत सारे हैं फॉन्ट्स इसमें, और आप अगर आपको ये भी पसंद नहीं आ रहा तो आप नीचे जाके मोर भी कर सकते हैं, लोड मोर और भी कर सकते हैं, और आते जाएंगे। आपको क्या करना है कि यहाँ से जैसे ये वाला ले लेते हैं, आपको यहाँ से जैसे ये वाला आपको पसंद आ गया तो आपको यहाँ से ये कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद क्या करना है, आपको जाना है अपने इंस्टाग्राम में, कोई भी फ़ोटो ले लेनी है जो आपने डाली है, जो आप डालने वाले हो। मैं आपको पुरानी डाली हुई मैं दिखा देता हूँ। आपको एडिट में जाना है और यहाँ पर कहीं भी, मतलब जहाँ भी आप डालना चाहते हैं वहाँ पर आपको पेस्ट कर देना। तो देख सकते हैं कैसा फॉन्ट आया है, बिल्कुल स्मॉल वाला मैंने चूज़ करा तो स्मॉल वाला आया है। तो आप ऐसे बहुत सारे फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं, नए नए फॉन्ट्स ला सकते हैं। मैं आपको एक और इसमें आपको एक और फॉन्ट्स दिखा देता हूँ। सो गाइस एक बात और, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, न्यू वीडियोस न्यू ट्रिक्स आती रहेंगी, इंस्टाग्राम पबजी और बहुत सारी आएंगी, और मैं अनबॉक्सिंग्स तो डालता ही रहता हूँ। देखिए मैं एक ही बोल्ड वाला और बिग फॉन्ट में लेता हूँ, ये मैंने कर लिया है कॉपी। एंड अब यहाँ जाके इसको भी कर देते हैं हम पेस्ट। देखिए बोल्ड में आ गया है और थोड़ा इटैलिक्स में है और थोड़ा साइज़ बढ़ा है। एक और मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब हम यही चेंज करते हैं, यहाँ से यहाँ पर हम लिखते हैं, मैं अपने चैनल का नाम लिखता हूँ, है ना। सो ये मेरे चैनल का नाम हो गया है। एंड इस बार हम लेते हैं पहले वाला ही, सेकंड वाला। एंड ये वाला मैंने फॉन्ट लिया है। देखिए कितने आप स्टाइल से आप अपने कैप्शंस को लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिखिए या कॉपी पेस्ट करते रहिए। ये देख सकते हैं इस फॉन्ट में मेरा आ चुका है। तो आप ऐसे बहुत सारे फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे अपनी फ़ोटोज़ में, अपनी पिक्स में अलग अलग स्टाइल से लिखा है। आप मेरी इंस्टा आईडी भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, कमेंट बॉक्स में भी मैं एक बार लिख दूंगा अपनी इंस्टा आईडी। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ऐसी ट्रिक्स आती रहेंगी। एंड ये आपको अच्छा लगा हो सो थैंक यू। एंड बस यही था, एक टिप थी और एक ट्रिक थी, मतलब दोनों एक ही चीज़ थी। आप अगर गूगल में करना चाहते हो, गूगल में भी इंस्टाग्राम फॉन्ट्स लिखिए। मैं आपको एक और बार बता देता हूँ, आपको क्या करना है, क्रोम में जाना है और लिखना है सिर्फ इंस्टाग्राम फॉन्ट्स। मैंने पहले लिख रखा था इसलिए आगे इंस्टाग्राम फॉन्ट्स, और पहली लिंक को क्लिक कर देना है और यहाँ पर अपना कर देना है जो मैं आपको बता चुका हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग
एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, नई वीडियोस आएंगी और अच्छी अच्छी आएंगी। मैं सोच रहा हूँ कुछ व्लॉग्स भी अपलोड करने के लिए, एक बार ये लॉकडाउन का सिस्टम ख़त्म हो जाए तो मैं व्लॉग्स भी बनाऊँगा। सो बाय बाय। Baby, let it be. Enjoy the